नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की विपक्षी एकता की कोशिशों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा झटका दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के गैर कांग्रेस गैर बीजेपी दलों के फेडरल फ्रंट का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। हालांकि सपा अध्यक्ष ने कहा है कि बुधवार को केसीआर से मुलाकात होनी संभव नहीं है। अखिलेश ने कहा कि फेडरल फ्रंट बनाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में सपा के जीते इकलौते विधायक को मंत्री न बनाए जाने से अखिलेश नाराज हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी धन्यवाद है, एमपी में हमारे एकमात्र विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है, ऐसे में अब हमारा रास्ता साफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन जरूर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। आतंकी गतिविधियों के शक में NIAA, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने दिल्ली समेत एक साथ 16 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की, 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जिसके पास से घातक हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध देश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिन्हें समय से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। लंबे समय से विवादों की कड़ी बने तीन तलाक बिल को भाजपा अब लोकसभा में पेश करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। इस व्हिप में भाजपा ने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण तीन तलाक विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यपाल में ये पारित नहीं हो सका। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने बताया कि 27 दिसंबर को तीन तलाक बिल पर एक अध्यादेश लोकसभा में बिल के रूप में पेश किया जाएगा। लोकसभा में तीन तलाक पर रोक संबंधी विधेयक पर बहस के लिए सरकार व विपक्ष में सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भी तीन तलाक के मामले को देखते हुए सरकार सख्त प्रावधान वाला अध्यादेश 19 सितंबर को लेकर आई थी। दरअसल उस समय संसद की कार्यवाही नहीं चल रही थी। इसी संशोधन को स्थायी कानून बनाने के लिए सरकार नए सिरे से विधेयक लेकर आई है। कमलनाथ के मंत्रिमंडल के वादे के मुताबिक जगह नहीं मिलने से तीन निर्दलीय सहित समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक खासे नाराज हैं। तीनों निर्दलियों ने सपा और बसपा के तीनों विधायक के साथ एक होटल में बैठक भी की है। शपथ समारोह के बाद निर्दलीय और बसपा विधायक भड़क गए। इन विधायकों का कहना है कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। नतीजा आने के बाद समर्थन देने पर मंत्री पद का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। वहीं सूत्रों की माने तो इन विधायकों में से कुछ विधायक अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, जिनसे कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।